Hi everyone, welcome back to my channel once again and in this video I'm going to share you some hair machines जिनसे आप अपने बालों को different style कर सकते हैं. Yes, so ये बहुत ही ज़्यादा affordable है. मैं आपके साथ अपना review share करूँगी और इनको use करके भी दिखाऊँगी. तो ये मैंने purchase की है Meesho से. So ये Meesho India का एक ऐसा app है जहाँ आप reselling भी कर सकते हैं, earning कर सकते हैं, resell करके अपना margin कमा सकते हैं. और मैं सारे जो product की link है वो description box में दे दूँगी, तो आप उसको ज़रूर check करिएगा. अगर आपको अपने लिए मंगवाना हो तो आप वहाँ से ले सकते हैं. वहाँ सारे ऐप से बहुत ही ज़्यादा कम प्राइस में आपको प्रोडक्ट मिलते हैं, चाहे वो हेयर एसेसरीज हो, चाहे वो ज्वेलरी हो, चाहे वो सैंडल्स हो, क्लोथिंग आइटम्स हो, या भी कोई भी आइटम हो. वो आपको मैं आपको इन मशीन्स के बारे में बताऊंगी और ये यूज करके दिखाने वाली हूँ कि ये कैसी हैं और आपको इनको परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट गेट स्टार्ट द वीडियो. सो मुझे ये 2 मशीन्स रिसीव हुई है. इनका कॉम्बो था जो कि एक स्ट्रेटनर और एक कलर था, क्योंकि स्ट्रेटनर मेरे पास ऑलरेडी है. सो मैंने जो सिलेक्ट किया है वो है क्रिम्पर और एक कलर. तो क्रिम्पर है ये हेयर कर्लिंग आयरन, तो इससे बालों को आप कर्ल कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से. और ये है न्यू नोवा कंपनी का, जो कि नोवा ही कंपनी है. एंड जो सेकंड वन है दैट इज दिस वन, हेयर स्ट्रेटनर और हेयर क्रिम्पर. सो मैंने ये वाला ऑर्डर किया, ये वाला मंगाया है आयरन, और ये भी इनोवा का ही है. तो ये 2 मशीन्स हैं जो मैंने ऑर्डर की थी, इनका कॉम्बो है साथ में. तो अभी मैं दिखाती हूँ कि ये है कैसी दिखने में और उसके बाद हम इनका ट्रायल करेंगे. ये है कर्लर जो कि इस तरीके से आता है. यहाँ पर एक हैंडल के लिए भी दिया हुआ है ताकि आप जब इसे प्रेस करें तो आपको प्रॉब्लम ना हो. और ये सेफ्टी कवर है, जब आप इसको यूज कर लें तो आप इसके अंदर इसको कवर अप करके रख दें. तो जो ये है वो इस तरीके का है, तो बहुत लाइट वेट है ये, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी. तो जो इसकी वायर है वो कुछ इस तरीके की है, 1 मीटर से ज़्यादा लंबी है इसकी जो वायर है. तो ये इस तरीके का है और ये बहुत लाइट वेट है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं स्टील है. जो इसकी स्टील है वो ठीक ठाक है, नॉर्मल है. तो ये ऐसा दिखता है और यहाँ पर ऑन और ऑफ का बटन है. एंड जो दूसरी मशीन है वो है क्रिम्पर, जो कि इस तरीके का दिखता है. और ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगा मुझे, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटू सा है और छोटी छोटी चीज़ें बहुत अच्छा लगता है. हम कहीं जाते हैं तो अपने बैग में आसानी से कैरी भी कर सकते हैं. तो ये देखिए, इसमें zigzag लाइंस बनी हुई है जिससे ये आपके बालों को क्रिम्प कर देता है. सो इसमें भी ऑन एंड ऑफ का स्विच लगा हुआ है यहाँ से. इन दोनों में ही टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए कुछ भी ऐसा स्विच नहीं है, तो आप डायरेक्टली करेंगे. और जो इसकी वायर है वो भी कुछ 1 मीटर से ज़्यादा लंबी है. सो ये देखिए, ये है मेरे पास क्रिम्पर और ये है कर्लर. तो ये 2 मशीन्स हैं मेरे पास जिनसे मैं आज अपने बालों को करने वाली हूँ ट्रीट. सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ क्रिम्पिंग, अपने बालों को क्रिम्प कर रही हूँ, एंड देन मैं आपको कर्ल करके दिखाऊंगी. तो यहाँ मैं स्विच के पास ही बैठी हूँ ताकि मैं आपको करके दिखा सकूँ. तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर स्विच लगा दिया है और अभी मैं इसको ऑन कर चुकी हूँ. इसकी लाइट देखिए, इफ़ यू कैन सी, इसकी लाइट टर्न ऑन हो गई है और अभी ये गर्म होने लग गया है. और फिर हम इसको करेंगे अपने बालों पर ट्राई. और यहाँ पर मैंने ले लिया है एक टेल कॉम जिसकी हेल्प से मैं अपने बालों को. इस तरीके से आप इसको डिज़ाइन बना सकते हैं अपने बालों से. सो मैं और करके दिखाती हूँ आपको कुछ. इन्हीं वालों पर ही यूज़ करूँगी, क्योंकि अभी मैं दोबारा से वॉश नहीं कर सकती, इसलिए मैं आपको ये दोनों लुक करके बता रही हूँ. तो मैं यहाँ पर इतने बाल ले रही हूँ, मैं सिर्फ डाउन वाले जो है पोर्शन इतने ही करूँगी बस. बी केयरफुल व्हाइल यू यूजिंग दिस मशीन, हीट का थोड़ा सा दिक्कत है बस, कि हीट ज़्यादा या कम. ठीक है, आप उसको कुछ सेकेंड्स का आइडिया लगा के निकाल सकते हैं. आप चाहे तो हाफ पोर्शन में क्रिम कर लीजिए, हाफ में आप कर लीजिए, ये बहुत प्यारा लुक लगने वाला है. सो अपने बच्चे की बात कर लीजिए.
फ्लफी हैं और कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं मेरे पास, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। अब आप बताइए कि कैसे लग रहे हैं मेरे पास, मेरे ऊपर कर्ल्स, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ये ही मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो चलो मैं आपको भी एक दोबारा से यूज़ करके बता देती हूँ। अगर आपको बहुत बड़े कर्ल्स लेने हैं तो फिर आप ज़्यादा क्वान्टिटी में अपने हेयर लीजिए इसके अंदर, और अगर आपको छोटे छोटे कर्ल्स लेने तो आप एक थिन लेयर लीजिए अपनी और उसके बाद अपने बालों को कर्ल्स लीजिए। सीरियस इट्स लुक्स अमेजिंग, और ये बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी हमारे बालों को कर्ल कर रहा है, तो दैट इज़ वाई ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा और इतनी अच्छे प्राइस में, है ना, इतने अच्छे प्राइस में ये कुछ ज़्यादा अच्छा मिल जाता है तो क्या ही बुराई है। या सो इट्स डन, लग रहे हैं ना एकदम बढ़िया, क्योंकि ये हमने किए हैं फर्स्ट टाइम, तो ये हमारा फर्स्ट टाइम है इसीलिए हमें ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं तो इसको आगे भी ट्राई करने वाली हूँ, है ना। मैंने क्रिम्पिंग भी की थी और मैंने कर्ल्स भी आपको करके दिखाए हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ही यम लग रहे हैं, एकदम मैगी नूडल्स लग रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। आप इसको ज़रूर परचेज़ कर सकते हैं, मुझे दोनों ही प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे और जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी है अकॉर्डिंग टू द प्राइस, तो आप ज़रूर से ले सकते हैं और अपना काम आसान बना सकते हैं इन प्रोडक्ट को यूज़ करके। अगर आपको भी अपने बालों के लिए कोई कलर और कुछ चाहिए तो ज़रूर ले सकते हैं।